एचपी कॉम्पैक्ट इलाइट 8300। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल इसकी मैं प्लग इन की रही है। बिस्मिल्लाह, तो ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ, जान हुआ है। चेक कर रहे हैं, बीप दे रहा है, 5 दफ़ा बीप दी है इसने, ठीक है। साथ ही ये पावर ऑफ हो गया है और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रहा, ये इशू आ रहा है इसको। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये एचपी का पीसी है, एचपी 8300 मॉडल है, एचपी कॉम्पैक्ट इलाइट 8300। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल इसकी मैं प्लग इन की रही है। बिस्मिल्लाह, ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ, जान हुआ है। चेक कर रहे हैं, बीप दे रहा है, 5 दफ़ा बीप दी है इसने, ठीक है। साथ ही ये पावर ऑफ हो गया है और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रहा, ये इशू आ रहा है इसको। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम। उसके लिए इसको बिस्मिल्लाह वेरीफ़ी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका जो सीमो सेल है ये उतार लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अच्छी सी बस निकला है इसका। अभी ये रैम इसकी टोटल जितनी भी लगी हुई हैं, 3 रैम्स लगी हुई हैं, तीनों रैम है जो बाहर निकाल लेंगे। ये स्लॉट जो है ना साफ कर लेंगे इसकी। ये रैम चेक कर लेंगे, वो कार्बन वगैरह तो नहीं है, तो ये वेरीफाई करेंगे रैम लगा के अब एक दफ़ा, क्योंकि ये सीमोस उतारा है तो उसकी जो मुकम्मल सेटिंग है वो फैक्ट्री सेट हो गई है। अब ये डिम वन में इसकी जो है ना रैम लगाएंगे। बिस्मिल्लाह, ये रैम लग गई है इसकी। ये पावर केबल प्लग इन की है मैंने, या तो ऑन हो गया, बीप वगैरह नहीं है कोई भी वैसे इसकी, ठीक है। तो डिस्प्ले वगैरह देखते हैं, अभी 2 से 3 दफ़ा ऑन ऑफ होगा, नीचे चेक करेंगे डिस्प्ले इसका शो हो गया। तो ये प्रॉब्लम जो है ना ये सीमोस की और रैम की जो है ना आती है, तो जो भी दोनों रैम्स और ये सीमोस दोनों लगा के उसको वेरीफाई कर लेंगे कंप्लीट। पावर ऑफ किया इसको, अब ये रैम लगाते हैं दूसरे वाली। ये सीमोस लगाता हूँ मैं, पावर ऑन की है भी। अच्छी डिस्प्ले इसका आ गया, मुकम्मल विंडो वगैरह इसकी रन कर लेंगे इसका। अभी मुकम्मल सेटिंग जो है ना करनी पड़ेगी इसका, टाइम एंड डेट वगैरह ये वो चीज़ें, बूट सीक्वेंस वगैरह। टाइम क्या दे रहा अभी, अपन कंटिन्यू। अच्छी विंडोज़ की रन हो गई है, तो बिल्कुल ओके हो गया। अभी प्रॉब्लम जो है ना वो रैम के ही निकला है। बिल्कुल ओके हो गया। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।